गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन मैं मुनीलाल सर आज आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक बी हाइव सब्जेक्ट इंग्लिश का जो फर्स्ट बुक है बी हाइव और उस बुक का जो पहला लेसन है द फन दे हैड जी हाँ आज का जो लेसन है उसका टाइटल है द फन दे हैड इसका अर्थ बड़ा सीधा सा है शाब्दिक अर्थ हुआ इसका हिंदी में द फन दे हैड का मतलब वह फन वह आनंद फन कहते आनंद को मजे को ठीक है तो वह आनंद दे हैड जो उन्हें था जो मजा जो आनंद उन्हें मिला करता था तो उन्हें से मतलब क्या है प्यारे बच्चों इसके समझने के लिए मैं आपको कल्पना लोक में लिए चलूँगा थोड़ी सी आप कल्पना करें कि जिस तरह से आज आप लोग पढ़ रहे हैं इस लॉकडाउन में मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं हूँ आप भी मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं हैं दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं आप लोग अपने अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर या पीसी पर पढ़ाई कर रहे हैं तो लो इसके लेखक ने कल्पना की है कि आज से सौ सवा सौ साल पहले हो ना हो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए या ऐसा समय आ जाए कि जब कोई स्कूल भी नहीं हो कोई प्रिंटेड बुक भी नहीं होगा कोई रियल क्लासरूम जो आज का है ऐसा नहीं होगा पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं होगा बल्कि कोई यांत्रिक मानव होगा मैकेनिकल टीचर होगा जिसको आप रोबोट आदि के नाम से जानते हैं तो उस ज़माने में उस जमाने के बच्चे को यदि कोई आज वाली जो रियल बुक है उसके बारे में बताएगा कि हमारे दादाजी के दादाजी कहते थे उस ज़माने में किताब कागज़ पर छपती थी हम सब मिल कर के स्कूल जाते थे और एक उम्र के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते थे साथ में स्कूल जाना और साथ में स्कूल से घर आना होता था होमवर्क बनाने में एक दूसरे की सहायता मिलती थी तो उस जमाने के बच्चे यानी फ्यूचर जनरेशन के बच्चे उस अतीत के बारे में सोच करके कह उठेंगे वाह क्या आनंद था उस ज़माने में क्या मज़ा था उन लोगों को पढ़ने में तो कुछ इसी तरह की सोच है लेखक की इस लेसन को लिखने के प्रति तो आइए हिंदी में मैं शुरू करता हूँ इसका ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे द फन दे हैड के नीचे देख लीजिए आप लोग कुछ पिक्चर है जिसको देखने से भी बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा सबसे पहले देखिए एक बालक बैठा हुआ है स्क्रीन के सामने लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स लिखा हुआ है फिर बगल में देखिए वर्चुअल क्लासरूम लिखा हुआ है और फिर नीचे देखिए रोबोटिक टीचर्स और उसके राइट साइड में आप देखिए मूविंग ई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो यह कुछ नज़ारा है जो कि लेखक ने कल्पना की है कि आने वाले कुछ समय में होने वाला है इस विश्व में इस संसार में चलिए अब टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ वन यहाँ पर दो बच्चे हैं याद रखेंगे मार्गी एक लड़की है जो 11 साल की है और दूसरा लड़का है टॉमी जो उससे थोड़ा सा बड़ा है वह 14 इयर्स का है तो स्टार्ट करते हैं मार्गी इवेन रोट अबाउट ईट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 वन फिफ्टी सेवन क्या कहा गया कि मार्गी ने सत्रह मई इक्कीस सौ संतावन में अपनी डायरी में उस रात कुछ लिखा और उसका हेडिंग था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक आप डायरी लिखते हो तो अवश्य ही उस पेज के ऊपर कुछ न कुछ टाइटल कुछ न कुछ, कुछ शीर्षक लगाते हो तो उसी तरह मार्गी सत्रह मई इक्कीस सौ की रात को अपनी डायरी में कुछ लिख रही है और उसका टाइटल उसने रखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक अर्थात आज टॉमी को एक रियल बुक मिली रियल बुक से मतलब है वही बुक जो आज आप लोगों के हैंड में है द बुक दैट इज प्रिंटेड ऑन पेपर दैट इज़ योर रियल बुक And the book on the screen you are watching now is not the real book. It is the virtual book. आभासी बुक है बच्चे ये ये आभास होता है आपको बुक जैसा लेकिन ये बुक है नहीं नेक्स्ट लाइन लेते हैं इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक उसी बुक की बात हो रही है कौन सी बुक मार्ग जिसका जिक्र कर रही है और यह बुक टॉमी को मिली है तो वह बुक कैसी है ओल्ड बुक इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक मार्ग इज फादर वंस सेड दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज इज फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम वैन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर क्या लिखा मार्गी ने कि मार्गी के जो ग्रैंड फादर थे यानी उनके नाना या दादाजी जो भी कहिए वंस सेड एक बार बताया था उनके दादाजी ने ग्रैंडफादर फादर ने क्या बताया था कि दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय जब वे एक छोटे बच्चे थे अर्थात मार्गी के दादाजी कह रहे हैं कि जब मैं छोटा सा था तो हिज ग्रैंड फादर मार्गी के ग्रेंड फादर के ग्रेंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम वेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर क्या बताया कि एक जमाना हुआ करता था एक ऐसा भी युग था जब सारी स्टोरीज सारी कहानियां कागज पर छपी हुई होती थी और दे द पेजेज विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकली अब यहाँ पर वही ओल्ड बुक्स जो मिली है टॉमी को तो मार्गी और टॉमी दोनों उसे देख रहे हैं और कहते हैं दे टर्न देजेज वे पन्नों को पलटते थे विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकली और चूंकि ओल्ड बुक है इसलिए उनके पन्ने येलो हो चुके थे क्रिंकली हो गए थे क्रिंकली मतलब विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स ये जो ब्लू कलर में वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन है आप इसे भी याद रखेंगे इंग्लिश में क्योंकि वोकेबलरी में आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये बुक मैनी फोल्ड्स कई मोड़ और लाइंस लिए हुए थे यानी किस बुक में जो है ना सिलबटें पड़ गई थी पन्नों पर इसलिए कह रहा है एंड इट वॉज ऑफुली फुली फनी टू रीड वर्ड्स और कहता है वर्ड्स को पढ़ना बड़ा ही फनी था बड़ा ही मज़ेदार था क्यों मज़ेदार था क्योंकि दैट टू डिस्टिल इन ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज्ड टू क्योंकि ये बुक पर जो वर्ड्स हुआ करते थे ना वे स्क्रीन पर जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं यानी मार्गी और टोमी कह रहे हैं कि जिस तरह स्क्रीन पर वर्ड्स चलते हैं ना वैसे चलते नहीं थे ये स्थिर हुआ करते थे ठीक है दैट स्टूड स्टिल यानी वर्ड्स जो थे ना वो स्टिल रहते थे स्थिर रहा करते थे इंस्टीड ऑफ मूविंग मूव करने के बजाय चलने के बजाय यू नो एंड देन वैन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर और कहते हैं जब वे लोग पीछे के पन्नों को पलटते थे इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड वैन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम और कहता है जब वे लोग पन्नों को पलटते थे ना पिछली मतलब पृष्ठ को पीछे के पेज को पलटते थे तो कहता है उन पर वही शब्द रहते थे जिनको उन्होंने पहले पढ़ा हुआ था तो बच्चे रियल बुक में तो ऐसा ही होता है ना आज हम पढ़ रहे हैं दिफन दे हैड वाला पेज इसमें जो आज लिखा हुआ है वही कल भी रहेगा परसों भी रहेगा सालों साल रहेगा जब तक बुक रहेगी तब तक रहेगा तो यही बात यहाँ पर कही गई गी गी यानी मार गी को शॉट में गी कहा गया यहाँ पर यानी टॉमी जो है गी कह करके मार्गी को पुकारा करता था इसलिए यहाँ पर गी शब्द का प्रयोग किया गया है दो सेकेंड का मैं ब्रेक लूँगा क्योंकि मुझे ईयरफोन लगाना पड़ेगा बाहर से कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है जो डिस्टर्ब हो रहा है ठीक है हम्म चलिए अब स्टार्ट करते हैं गी सेड टॉमी टॉमी मार्गी से कहता है गी वाट ए वेस्ट वाट ए वेस्ट मतलब क्या फालतू चीज है Hmm? क्या बेकार की चीज है वैन यू थ्रू विथ द बुक यह थ्रू से मतलब होता है गो थ्रू यानी पढ़ लेना अर्थात जब आप किताब को पढ़ लेते हो यू जस्ट थ्रो इट अवे तो पढ़ करके क्या करते हो इसे थ्रो कर देते हो फेंक देते हो या किसी को बेच देते हो या रख देते हो कहीं पर यह कहने का मतलब है आई गेस ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं कौन कह रहा है यह टॉमी कह रहा है गी को आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बोक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर लेकिन कहा हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर तो मिलियन बुक्स हैं लाखों लाख किताबें हैं और काफी अच्छी हैं इस किताब से आई उडेंट थ्रो इट अवे मैं तो इस किताब को नहीं फेंकता सेम विथ माइन सेड मार्गी का मार्गी ने कहा अरे मेरे भी तो स्क्रीन पे है सी वॉज इलेवन एंड हैडन सीन एज मैनी टेली बुक्स एज हैड मैंने बताया कि मार्गी जो है ग्यारह साल का है और उसने उतनी टेलीबुक्स यानी टेली बुक्स से मतलब याद रखना टेली यानी टेली मतलब दूर और बुक मतलब किताब जो किताब आपसे दूर है यानी आपके हाथ में नहीं आएगी वो किताब जिसको आप केवल टेलीविजन के स्क्रीन पर देख सकते हैं तो उसी को कहा गया है यहां पर टेली बुक्स ठीक है तो टेली बुक्स आप समझ के रखिएगा आगे काम आने वाला है इसका ही वॉज थर्टीन अब यहाँ पर टेली बुक्स जो है टॉमी चूँकि बड़ा है दो साल उससे तेरह साल का है टॉमी और मार्गी ग्यारह साल की है तो टॉमी थोड़ा धौस जमा रहा है उस पर कह रहा है मेरे स्क्रीन पर मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पर तो लाखों लाख किताबें हैं तो मार्गी कहती है मेरे स्क्रीन पे भी तो है खाली तुम्हारे स्क्रीन पे है क्या ही वॉज थर्टीन यानी टॉमी तेरह साल का था सीसेड वेर डिड यू फाइंड इट अब मार्गे कुछ सवाल पूछने लगी टॉमी से कि बताओ यह किताब तुम्हें कहाँ मिली इन माई हाउस का मेरे घर में ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग यानी टॉमी ने इशारा कर दिया बिना देखे विदाउट लुकिंग किसको बिना देखे यानी मार्ग की तरफ नज़र उठा के देखे बिना इशारे से कह दिया घर में मिली किताब अब इशारे से क्यों कहा भाई बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग क्योंकि वह व्यस्त था रीडिंग में पढ़ने में वही पुरानी किताब जो उनको मिली है ठीक है इन द एटिक कहाँ मिली घर में तो एटिक पर यानी जिसको आप छज्जा वगैरह हिंदी में कहते हो देखिए एटिक का एक्सप्लेनेशन भी है ना स्पेस जस्ट बिलो द रूफ ठीक है रूफ यानी छत के नीचे वाला जो स्पेस होता है जिसको आप स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल करते हो वो हुआ एटिक व्हाट्स इट अबाउट मार्गी पूछती है कि यह बुक जो है किसके बारे में है बताओ तो टॉमी जवाब देता है स्कूल अर्थात यह किताब स्कूल के बारे में है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल वॉट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल आई हेट स्कूल देखो अब एक शब्द आ गया बच्चे आपके लिए न्यू होगा ये स्कॉर्नफुल स्कॉर्नफुल मतलब घृणा की दृष्टि से यानी मन में घृणा का भाव लाता हुआ जब आप कुछ कहते हो उसका एक्सप्लेनेशन है कंटेम्पचुअस शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस अर्थात जब आप नफ़रत किस चीज़ से करते हो उसी चीज़ से ना जो आपके लिए बेकार है वर्थलेस है किसी काम का नहीं है तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल यानी स्कूल का जो नाम सुना ना तो मार्गी के मन में घृणा हो गई स्कूल शब्द सुनने से व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल मार्गी का देर है स्कूल के बारे में क्या लिखने को है जी आई हेट स्कूल बट स्कूल से मुझे नफरत है अब देखिए इससे क्या पता चला कि मार्गी को कौन सा स्कूल उसके जमाने का स्कूल जो ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन का स्कूल है ट्वेंटी ट्वेंटी वाला स्कूल नहीं मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती रहती थी बट नाउ सी एवर लेकिन अब तो वह पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही नफरत करने लगी द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड सी हैड बिन डूइंग वर्स्ट एंड वर्स्ट टिल हर मदर हैड सेकेंड हर हेड शारोफुली एंड सेड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर यानी मार्गी क्यों नफरत करती थी स्कूल से रीजन क्या है इसके पीछे द मैकेनिकल टीचर वह मैकेनिकल टीचर जो उनको टेस्ट आफ्टर टेस्ट यानी उनसे बार बार टेस्ट लेता जा रहा था कौन सा सब्जेक्ट में जोग्राफी में भूगोल जिसको कहते हो आप और मार्गिक का परफॉर्मेंस बद से बदतर होता जा रहा था वर्स एंड वर्स यानी बैड का याद रखेंगे आप बैड वर्स वर्स्ट ये कॉम्परेटिव डिग्री है बीच वाला जैसे गुड का बेटर होता है ना उसी तरह से बैड का वर्स और तभी जो है उसकी माँ आ जाती है हेड सेकेंड हर हेड उसके सर को हिलाती हुई शौरफुली शौरफुली मतलब अफसोस के साथ कि क्या हो गया मेरी बेटी को ये तो ये स्कूल से ही नफ़रत करने लगी अब पढ़ेगी कैसे तो माँ को बड़ी चिंता हो गई तो उसने क्या किया सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर याद रखना ये काउंटी इंस्पेक्टर कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है ये नाम है उस मैकेनिक का जो मैकेनिकल टीचर को ठीक ठाक करता है जैसे हमारे यहाँ टीवी ख़राब हो जाए तो टीवी वाला मैकेनिक आकर उसे ठीक करता है ना तो उसी तरह से ये काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक है अब देखिए कैसा है वह कॉन्टे इंस्पेक्टर थोड़ा सा उसका डिटेल्स है नीचे फोर नंबर पैराग्राफ ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ एंड वायर्स देख लीजिए कैसा है राउंड लिटिल मैन गोल मटोल फुटबॉल और लिटिल मैन नाटा सा आदमी है नाटे कद का है लाल लाल चेहरा है एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स और पूरा का पूरा बक्सा उनके पास है जिसमें टूल्स वगैरह हैं डायल्स और वायर्स उनके पास हैं ठीक है डायल्स यानी गोल गोल पहिए वगैरह चक्री जैसा कुछ चीज और वायर्स जो आप के घर में बिजली जलाने के लिए तार वगैरह लगे ना वो वायर्स होते हैं He smiled at Margie and gave her an apple. अब देखिए ये काउंटे इंस्पेक्टर बच्चे को भाई फुसलाने भी जानते हैं मार्गी को देखकर मुस्कुराता है उसको एक एप्पल देता है देन टुक द टीचर ए पार्ट फिर टीचर को खोलता है टुक द टीचर ए पार्ट टीचर यहाँ मतलब बच्चे माइंड में याद रखना ये टीचर कोई आज का टीचर नहीं है ये एक मशीन है समझ लो उस मशीन को यानी टीचर रूपी जो मशीन है ना उसको ए पार्ट कर दिया यानी उसका पार्ट पार्ट खोल कर अलग कर दिया जो मैकेनिक का काम है मार्ग हैड होप्डंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन अब मार्गी मन ही मन खुश हो रही थी यह सोचकर कि खोल तो दिया इस बच्चे ने अब इनको फिर से एक साथ टुगेदर एक साथ पुट नहीं कर पाएगा लगा नहीं पाएगा अर्थात ठीक नहीं होगा अब लगता है मेरा टीचर और ठीक नहीं होगा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा इसलिए वह खुश थी बट ही न्यू हाउ ऑल राइट लेकिन कहता है काउंट इंस्पेक्टर तो भाई स्पेशलिस्ट था ना सब चीज़ अच्छी तरह जानता था एंड आफ्टर एन एं आवर और सो और कहता है लगभग एक घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन लो कहता है या फिर से शुरू हो गया अर्थात मैकेनिक टीचर ठीक हो गया लार्ज एंड ब्लैक एंड अगले विथ ए बि जब हो गया लार्ज एंड ब्लैक बड़ा बड़ा काला काला अगली अब अगली तो नहीं होता है कोई लेटर लेकिन चूंकि मार्गिन नफरत कर रही है ना उस चीज से उनको लग रहा है कि भद्दा भद्दा सा लेटर बिग स्क्रीन बड़ा सा स्क्रीन पर हम्म ऑल द लेसन सॉन सारे के सारे लेसन सब दिखने लग गए एंड द क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाने लगा दैट वॉज सो बैड का यह तो उतना बैड नहीं था उतना घटिया नहीं था खराब नहीं था द पार्ट मार्गी हेटेड

लिख करके जमा कर देते हो सर के पास लेकिन मैंने कहा ना ये ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन की बात है तो उस समय पेपर तो है ही नहीं सब कुछ स्क्रीन पे ही लिखना है आपको सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड दे मेड हर लर्न वेन सी वर्ज सिक्स ईयर्स ओल्ड और सब के सब टेस्ट पेपर कैसे लिखने होते थे पंच कोड में एक विशेष प्रकार का कोड उन्हें दिया जाता था जो उन्होंने पहले ही सीखा हुआ था जब वह छः साल की थी द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम और टेस्ट पेपर का फिर कहता है रिजल्ट एकदम देखते ही दे, देखते चुटकी में उसका रिजल्ट उसका नंबर मैकेनिकल टीचर उन्हें बता देते थे कि देखो तुम्हारा इतना नंबर आया तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ पैराग्राफ पाँच से मैं आपको पुनः अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा तब तक आप इसको रिवीजन करें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हर बच्चे को इसका लाभ मिले तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद जय एस डी एन